हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन किस तरह की थी, किस तरह का उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे फाइनेंसिंग होती थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, क्या करिकुलम था और क्या मेथड ऑफ टीचिंग थे और किस तरह एजुकेशन उस समय दी जाती थी, उस सभी पर अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बोध शिक्षा प्रणाली। जो ये पीरियड था बुद्धिस्ट पीरियड, इस पीरियड में भिक्षुकों द्वारा एक न्यू एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया और इसे ही बोध शिक्षा प्रणाली या बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। ये जो डेवलप हुआ था आपका बोध पीरियड में, और जो ये एजुकेशन थी ये बोध धर्म और दर्शन पर ही बेस्ड थी। और उससे पहले जो वैदिक एजुकेशन थी उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो बहुत टफ थे, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये जो एजुकेशन थी बुद्धिस्ट एजुकेशन, ये धर्म की समानता, प्रेम और करुणा पर बेस्ड थी। मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि जो बोध शिक्षा प्रणाली थी उसके क्या क्या अभिलक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की, जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस वो किस तरह से था। सबसे पहला इसमें कंट्रोल ऑफ बुद्धिस्ट संघ ओवर एजुकेशन, जो एजुकेशन थी उस पर पूरी तरह से जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हीं का ही नियंत्रण होता था, वो उन्हीं के नियंत्रण में थी, किसी व्यक्ति विशेष के नियंत्रण में नहीं थी। और उसके बाद है पैट्रोनाइज बाय किंग्स, शासन का संरक्षण प्राप्त था। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन थी उस एजुकेशन में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको शासन का सहयोग प्राप्त था, जो कि वैदिक काल में इतना अधिक नहीं था। जो उस समय के राजा महाराजा थे उन्होंने बिल्डिंग के लिए फंड अवेलेबल कराया और उसको संचालन के लिए गांव के गांव दान में दे दिए। उसके बाद है आपका ये कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। जो बोध शिक्षा प्रणाली थी उसमें बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों ही लेवल की एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो बिल्कुल फ्री थी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उनसे कुछ फीस ली जाती थी और जो स्टूडेंट फीस नहीं दे पाते थे उन्हें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पर जो संघ थे उन संघ में काम करना होता था। इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें है प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन और भिक्षु एजुकेशन। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी, जो कि बोध मठों और विहारों में दी जाती थी। और जब इसमें एडमिशन होता था प्राइमरी एजुकेशन में तो सबसे पहले इनका पबज्जा सेरेमनी होती थी। इस पबज्जा सेरेमनी में जिस स्टूडेंट को एडमिशन लेना होता था उस स्टूडेंट को मठ और विहार में जो है ये इस सेरेमनी को अरेंज कराया जाता था उनके लिए, जो कि 6 ईयर्स में होती थी। और ये एडमिशन के समय इस सेरेमनी को कराया जाता था। पबज्जा का अर्थ है गोइंग आउट, बाहर जाना, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के जो बौद्ध संघ हैं उन मठ और विहार में वहीं पर उसको रहना होता था। तो इसके जो एडमिशन के टाइम पबज्जा सेरेमनी होती थी। पबज्जा सेरेमनी में सबसे पहले बच्चे के जो सिर के बाल हैं वो उतवा दिए जाते हैं, उसके बाद जो उसके घर के कपड़े होते हैं उनको उतार कर येलो क्लोथ पहनाए जाते हैं और उसके हाथ में दंड दे दिया जाता है। उसके बाद वो जो मठ या विहार है उसका जो अधिकारी भिक्षुक होता है उसे भिक्षुक के सामने प्रेजेंट होना होता है, और उसके बाद वो उसके जो भिक्षुक है उसके चरण को स्पर्श करता है, फीट को टच करता है, उसका आशीर्वाद लेता है, उसके सामने फिर बैठ जाता है। और जो भिक्षुक है उसको 3 ओथ्स बुलवाता है, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्म शरणम गच्छामी, संघ शरणम गच्छामी। इसके बाद उसको 10 उपदेश देता है जिसे 10 शिक्षा पदानी भी कहा जाता है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है कि 10 शिक्षा पदानी क्या है। 10 शिक्षा पदानी में 10 उपदेश हैं, जैसे कि फॉलो नॉन वायलेंस और स्पीक ट्रूथ, ये सब हैं, शुद्ध आचरण करना, पराय वस्तु को ग्रहण न करना, सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि कीमती दान न लेना, इस तरह से ये पूरे 10 हैं। उसके बाद ये ओथ मिल जाती हैं, उसको उपदेश मिल जाते हैं, उसके बाद
उसको उसमें एडमिशन मिल जाता है और उसे श्रमण या सामनेर कहा जाता है। मतलब जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट को उस समय श्रमण या सामनेर कहा जाता था। ये तो हो गया आपका उपसंबदा सेरेमनी। इसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। उसके बाद जब ये वाली एजुकेशन ख़त्म हो जाती है तो उसका एडमिशन हायर एजुकेशन में होता है, वो हायर एजुकेशन लेता है। हायर एजुकेशन जो है इनकी 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है और 20 से 25 वर्ष की आयु तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपकी आती है भिक्षु एजुकेशन। भिक्षु एजुकेशन में क्या होता है, जब वो हायर एजुकेशन मिल जाती है उसको, उसके बाद यदि वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है या टीचिंग लाइन में आना चाहता है तो उसके उन्हें उपसंबदा सेरेमनी करानी होती है। उपसंबदा सेरेमनी में क्या होता है कि जो स्टूडेंट अपनी फैमिली लाइफ में जाना चाहते हैं वो फैमिली लाइफ में चले जाते हैं, और लेकिन जो हायर एजुकेशन उसके बाद हायर एजुकेशन के बाद भिक्षु एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको फिर उपसंबदा सेरेमनी उनके लिए की जाती है। उपसंबदा सेरेमनी में वो फिर से उसको 8 जो है ओथ्स लेनी होती हैं, और ये 8 होती हैं, मतलब 10 तो उसको फॉलो करनी है, इसके साथ साथ 8 और फॉलो करनी है कि स्लिप अंडर द ट्री और बैगिंग करना है, उसको भिक्षा मांगनी है और भिक्षा वाले पात्र में भोजन करना है, और भिक्षा और सिंपल क्लोथ्स पहनने हैं, चोरी नहीं करनी है, किसी की हत्या नहीं करनी है। इस तरह से उसको 10 जो है और बातों को मानना होता है। उसके बाद ये जो एजुकेशन होती है वो ये 8 ईयर्स तक चलती है। जब उसका ये 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से भिक्षु कहलाता है और टीचिंग में और रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए योग्य माना जाता है। और लेकिन उसे ये कार्य करने के लिए सेलिबेसी को फॉलो करना होता है, मतलब वो कभी भी विवाहित नहीं हो सकता, वो उसे आजीवन अविवाहित रहना होता है, संघ के नियमों को कठोरता से पालन करना होता है, और यदि उस कोई असमर्थता प्रकट करने की जाती है उसके द्वारा तो भिक्षु संघ से अलग हो जाता है। भिक्षु जो एजुकेशन है इसमें एक ये भी बात है कि वो अपने टीचर का चुनाव खुद कर सकता है। ये था आपका भिक्षु एजुकेशन जिसके अंदर उपसंबदा सेरेमनी कराई जाती है। इसके बाद है एम्स एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श क्या थे। सबसे पहले तो है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास। बुद्धिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग निर्वाण की प्राप्ति करना ही इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था, कि मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति करनी है। जैसे कि वैदिक एजुकेशन में था मोक्ष की प्राप्ति करना, यहाँ पर है निर्वाण की प्राप्ति करना। तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए ज्ञान के विकास पर बल दिया गया। दूसरा है एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है इसके अकॉर्डिंग ये माना गया है ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। जो ये पीरियड था इस पीरियड में पूरी तरह सपोर्ट किया गया था ह्यूमन वेलफेयर को, और उन्होंने इम्फेसिस दिया कंपैशन और काइंडनेस को, दया और करुणा को जो उस पर बल दिया। तो इसका सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल बिहेवियर है, कि मनुष्य को जो या स्टूडेंट है उसे सोशल बिहेवियर जरूर सिखाना है, जिससे कि वे एक दूसरे के प्रति उनके अंदर करुणा की भावना हो। उसके बाद है फिजिकल डेवलपमेंट भी उनका होना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, करेक्टर फॉर्मेशन, चरित्र का निर्माण होना चाहिए, वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। इस यहाँ पर उनको जो शिक्षा दी जाती थी वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, सबसे अधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर दिया जाता था, और करिकुलम में ये कंपलसरी एक उनका बॉडी थी। स्टूडेंट को सबसे पहले बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य खोजे थे, संसार दुख में है, इनसे छुटकारा पाना संभव है, और छुटकारा ही निर्वाण है, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए जब तक नहीं मानव मात के प्रति कल्याण की भावना ही आवश्यक है। मतलब जो हमें दूसरे मनुष्य का कल्याण करना है इसका ज्ञान कराया जाता था, और उसके बाद अष्टांगिक मार्ग में उनको ट्रेन किया जाता था। इस तरह से बुद्धिस्ट रिलीजन की एजुकेशन दी जाती थी, ये थे इनके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है करिकुलम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था। सबसे पहले है करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी जो एजुकेशन था उसका ड्यूरेशन 6 ईयर था। इस लेवल पर इनको सिद्धरस नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, और उसके बाद 5 डिफरेंट साइंस, मॉर्फोलॉजी, मैसोनरी, मेडिसिन, लॉजिक एंड स्पिरिचुअलिटी, इसका इनको ज्ञान कराया जाता है। और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसको भी इनको जनरल नॉलेज इनको दी जाती थी। इसके बाद है करिकुलम ऑफ हायर एजुकेशन, इसका ड्यूरेशन 12 ईयर्स है, और यहाँ पर ग्रामर, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, फिलॉसफी और इसकी एजुकेशन दी जाती है, और उसके बाद इनको स्पेसिफिक एजुकेशन दी जाती थी। करिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन, इसका ड्यूरेशन 8 ईयर्स है, और इस ईयर्स इसमें इनको बुद्धिस्ट रिलीजन की एजुकेशन दी जाती है,
फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, और उसके बाद इनको त्रिपिटक जो थ्री बास्केट एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलीजन, वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन में क्या कंपैरिजन है उसको इनको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर इनको बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म की शिक्षा को स्पेशलिटी उसमें दिया जाता है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का विशिष्ट रूप से ज्ञान कराया जाता है। हायर एजुकेशन में बुद्धिस्ट पीरियड में स्पेशलाइजेशन का भी प्रोविज़न था, वर्ल्डली करिकुलम और रिलीजियस करिकुलम। वर्ल्डली जो करिकुलम था, जो लौकिक पाठ्यक्रम था, इसके अंतर्गत उनको रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट, स्किल और वोकेशनल एजुकेशन दी जाती थी। जो रिलीजियस करिकुलम था वो भी दो पार्ट में डिवाइड था, जनरल स्टूडेंट्स के लिए और भिक्षु के लिए। जो जनरल स्टूडेंट हैं उनको बुद्धिस्ट और जैन और वैदिक रिलीजन की एजुकेशन दी जाती थी, और जो भिक्षु एजुकेशन थी उनको वो थोड़ा वाइड था, उनको साहित्य, त्रिपिटक, सुमंत, विनय, धम्म इत्यादि पढ़ाए जाते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, अन्य जो रिलीजन थे उनसे कंपैरेटिव स्टडी कराई जाती थी, और जो मठ के जो भी उनका काम होता था निर्माण करने का, उसको उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी, और मठ विहारों का लेखा जोखा भी रखना होता था, तो ये भी भिक्षु एजुकेशन में ही सिखाया जाता था। इसके बाद है मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या मेथड थे। इसमें जो टीचिंग का मेथड था जो उस समय भिक्षु एजुकेशन देते थे वो देते थे इमिटेशन मेथड, जो अनुकरण विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड, एक्सप्लेनेशन मेथड, डिबेट मेथड, डिबेट कराते थे जो श्रमणों सामने होते थे उनके बीच में, लेक्चर मेथड होता था, शास्त्रार्थ और कॉन्फ्रेंस मेथड, और डेमोंस्ट्रेशन प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी मेथड। इसके बाद बात कर लेते हैं डिसिप्लिन की, उस समय डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन होता था। उस समय जो स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को ही संघ के जो रूल्स रेगुलेशन होते थे उनको फॉलो करना होता था। जैसे कि जो स्टूडेंट पबज्जा सेरेमनी के समय उसको 10 रूल्स बताए जाते थे वो उनको फॉलो करता था, उसके बाद जो भिक्षु एजुकेशन के समय उसको 8 एक्स्ट्रा रूल बताए जाते हैं वो उसको भी फॉलो करता है, और जो टीचर्स हैं, जो उपाध्याय हैं, उनको भी जो रूल्स रेगुलेशन हैं मठ और विहार के उनको फॉलोअप करना होता था। जनरली टीचर्स और स्टूडेंट दो बार एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं, और इससे आत्मअनुशासन का विकास भी होता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक दूसरे को सचेत करते थे। टीचर या स्टूडेंट किसी के द्वारा भी किसी भी रूल को यदि वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको पनिशमेंट मिलता था। स्टूडेंट को भिक्षु पनिशमेंट देते थे, और यदि भिक्षु से कोई भी किसी भी तरह का अपराध हो जाता है या कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है, रूल्स को तोड़ता है, तो उनको जो संघ है उन संघ के द्वारा उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा पूरा डिसिप्लिन बना रहता है। इसके बाद टीचर को उपाध्याय कहा जाता था, और इसके लिए तो पहली शर्त ये थी कि वो अविवाहित रहेगा, उसे कभी अपनी फैमिली लाइफ में नहीं जाना है, और उसको 8 years की भिक्षु एजुकेशन भी लेनी है, उसको अडॉप्ट करना है, सेलिब्रेसी रहना है, सेल्फ कंट्रोल उसको अपने ऊपर रखना है। इस तरह से ये टीचर्स की बात हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जिसे श्रमण या साम्यर कहा जाता है। जैसा अभी डिस्कस हो चुका है कि वो जो भी रूल्स रेगुलेशन है उन रूल्स रेगुलेशन को उसको फॉलो करना होता है। 10 रूल्स रेगुलेशन तो उसको बताए गए थे जो 10 शिखा पदानी है बज्जा सेरेमनी के समय, और उसके बाद जब उसका सेरेमनी होती है भिक्षु एजुकेशन यदि वो लेता है तो उसके बाद 8 उसको अलग से मानने पड़ते हैं। इस तरह से ये इनका जो है दोनों का, स्टूडेंट और टीचर्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा इससे बना रहता है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप थे। जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते थे उनके साथ, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने टीचर्स को अपने पिता तुल्य ही मानते थे। और उस समय जो टीचर्स थे प्रायः मठ और विहारों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उसका जो एजुकेशनल वर्क था उसका पूरा अरेंजमेंट देखते थे, और स्टूडेंट उनके आदेश के अनुसार ही सारे कार्य को करते थे। इस तरह से उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा मधुर रिलेशनशिप था। एग्जामिनेशन एंड डिग्री की बात करते हैं तो उस समय आज की तरह कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होते थे। प्राइमरी लेवल पर तो जो भिक्षु होते थे वो अपने टीचर स्टूडेंट से यदि सेटिस्फाइड हो जाते थे तो उन्हें सफल घोषित कर देते थे। इसके बाद उन्हें किसी भी तरह के कोई ऐसे डिग्री या प्रमाण पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। और हायर लेवल पर भिक्षुओं का एक पैनल होता था, वो उनसे ओरली उनसे क्वेश्चन पूछते थे, और यदि वो उनके आंसर से सेटिस्फाई होते थे तो उनको उपाधियां दी जाती थी।
उस समय एजुकेशनल सेंटर्स भी थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये उस समय की यूनिवर्सिटीज थी। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि बुद्धिस्ट पीरियड में किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, क्या उनका करिकुलम था, किस तरह मठ और विहारों में अरेंजमेंट होते थे, किस रूल्स रेगुलेशन स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को ही फॉलोअप करने होते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।